इतनी विकसित उसकी बुद्धि है, इतनी सजग उसकी बुद्धि है, प्रतिभा है, प्रतिभावान व्यक्ति ही महान होता है। और कौन व्यक्ति कितना गिरा हुआ है, कहा जितनी पतित उसकी बुद्धि है। तो यदि आपकी बुद्धि पतित नहीं हुई, जहां आप है वहीं उसी में रह गई, कुसंगति नहीं की पतित नहीं हुई, लेकिन उससे उत्थित तो नहीं हो गई। बुद्धि को विकसित करने के लिए भी चाहिए, गिराने के लिए जैसे साधन चाहिए, उसे उठाने के लिए भी साधन चाहिए। यो संन्यास त्यजति, जिसने कुसंग का त्याग कर दिया अब नीचे नहीं गिरा। अब यो महानुभावं सेवते, अब महापुरुषों को संगत करोगे तो आप उत्थान की दिशा में आगे बढ़ोगे, ऊपर जाओ। यहां दोनों साधन साथ साथ बताया, यह संन्यास त्यजति यो महानुभावं सेवते। अब महानुभावं सेवते, महापुरुषों की सेवा के लिए, संघ के लिए एक सबसे बड़ी शर्त है, क्या? निर्ममो भवति। निर्ममो भवति जानते हो क्या होता है? ममता रहित हो जाना। ममता को साथ रख करके आप महान भाव की सेवा नहीं कर सकते, महापुरुषों का संघ नहीं कर सकते, दोनों एक साथ नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं बल्कि असंभव। यदि ममत्व का त्याग नहीं हुआ तो महापुरुषों की संगति आपको नहीं मिलेगी, मिल भी जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। मिलने के लिए तो बहुत मिल जाती है, लेकिन लाभ नहीं होता कुछ। तुलसीदास जी ने इस ममता के लिए एक पद में बड़े ही व्यथित होकर के प्रभु से पुकारा है और ममता की यथार्थता का वर्णन किया है। ममता तू न गई मेरे मन से, हे ममता तू मेरे मन से नहीं गई, सब चले गए, पाके केस जन्म के साथ ही, जब पैदा हुए थे तो बाल साथ साथ पैदा हुए थे, काले से सफेद हो गए, पाके केस जन्म के साथ ही, और ज्योति गई नैनन ते, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन से, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। सारी इंद्रियां शिथिल होने लगी, किस अवस्था में पहुंच गई, जिसको देख करके लोग हंसते। एक बूढ़ी थी, बूढ़ी मां हाथ में लठिया लिए कांपती हुई चल रही थी, नीचे सरकी हुए कमर झुक गई थी। एक यंग लड़की ने देखा उसे तो उसको मजाक सूझा, वो पहुंच गई उससे पूछने लगी, मां क्या गिर गया तेरा, मिट्टी में ढूंढ रही है, ऐसे चल रही थी ना ऐसे करके। तो उस बूढ़ी मां ने उसकी तरफ देखा, हंसा, हंसते हुए कहा, बेटी क्या बताऊं, तेरी ऐसी जवानी थी मेरी, इसी मिट्टी में उड़ गई, वही खोज रही हो, क्या बताऊं तुम्हें। कभी तेरी ऐसी मेरी जवानी थी, वो इसी मिट्टी में गुम हो गई, खो गई, वही ढूंढ रही। ये सबके साथ ही होने वाला है, ये एक दिन की बात नहीं, एक ही प्रति की बात नहीं, होना सबके साथ ही है। उसके साथ आज हुआ, उसके साथ कल होगा। इसलिए यहां पर संत ने कहा, देवर्षि ने, कि निर्ममो भवत, जिसने ममता का त्याग करके कुसंगति से दूर हो रहते हुए सत्संगति का सेवन किया, वो इस माया से पार हो जाता है। तीन सत्य हैं, कुसंगति का त्याग, सत्संगति का ग्रहण और ममता से ऊपर उठना। निर्ममो भवत, ममता रहित हो जाना, ये मेरा है। ममता माने ये अहंता और ममता, ये दो चीजें हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये ममता, और ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, इसको कहते हैं अहंता। क्या समझे? मैं और मेरा, ये माया के दो रूप है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने जीव निकाया। मैं मेरा तय तेरा, यही माया का स्वरूप है। जहां मैं हुआ तहां तुम भी होगा, जहां मेरा है वहां तेरा भी हो जाएगा। तो मैं मेरा तय तेरा ही माया का स्वरूप है। इस माया से परे जाने के लिए सबसे पहले मेरे का त्याग करना होता, मैं का त्याग बहुत मुश्किल होता है।
इसलिए पहले मेरे का त्याग होता, आगे कहेंगे जो मैं का भी त्याग कर देता है। मैं का त्याग तो बड़े साधन की बात है, पहले मेरे का त्याग करो, मैं का त्याग अपने आप धीरे धीरे होता है, क्योंकि मेरा जो है इसी के सहारे मैं जीता है। मैं किसके सहारे जीता है? मेरे बात याद रखें, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यदि मेरा मेरा कहने के लिए कुछ ना हो तो एक दिन मैं मर जाएगा, अपने आप मर जाएगा, तो उसके खड़ा होने के लिए स्थान नहीं रहेगा, बेसलेस हो जाएगा। और जहां वो बेसलेस हुआ वहीं वो मरा। और मेरे को रखते हुए यदि मैं को मारना चाहोगे कभी नहीं मरेगा। एक दो मैंने लिखा है, मैं मारो मैं मारो मैं मारनो है मैं को पहचान, यही में सब योग है यही में सब ज्ञान है। मैं को पहचान, मैं मारो मैं मारनो, लेकिन वो मैं की पहचान तो तब होगी ना जब पहले मेरे से ऊपर उठता चला जाए। तो जहां मेरेपन का भाव है वो है ममता। जो निर्मम हो गया है, जो कुसंगति का त्याग कर दिया है, जो महान भावों की सेवा करता है, निस्सन करता है महापुरुषों का, वही इस माया से पार हो जाता है। अब आगे और लिखते हैं, यो विविक्त स्थानम सेवते। जो विविक्त, विविक्त स्थान माने एकांत वास। एकांत वास कई प्रकार से होता है। मेरी ऐसी राय है कि हाँ, टोरंटो के जो घनीतम बस्ती है ना, वहां रह करके एक व्यक्ति एकांत में रह सकता है, और हिमालय में जाकर के भी एक व्यक्ति एकांत में नहीं रह सकता। ये मेरी राय नहीं है, मेरी अनुभूति। घोर क्राउड जिसे कहते हैं ना, उसमें रह करके व्यक्ति एकांतवासी हो सकता है, और हिमालय की चोटी पर भी जाकर के वो एकांतवासी नहीं हो सकता। एकांत शब्द का अभिप्राय है एक में मन का अंत हो जाना, एक में जीवन का अंत हो जाना, वो एकांत का अर्थ होता है। अब आपके मन का अंत एक में हो जाए, इसके लिए देश की जरूरत है, इसके लिए काल की जरूरत है, इसके लिए परिस्थिति की जरूरत है। देश काल परिस्थितियां इसमें बाधक हो सकती है? नहीं हो सकती। जिस शहर में, जिस समाज में एक पतिव्रता स्त्री रहती है, उसी शहर में, उसी समाज में वेश्याएं भी रहती है। उसी देश, उसी काल, उसी परिस्थिति में दोनों रहती है। एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ लोग ये कहते होंगे नहीं, वेश्याएं तो मजबूरी से भी बनती हैं, लेकिन मजबूरी से ही नहीं बनती। मजबूरी से भी बनती हैं, लेकिन मजबूरी से ही नहीं बनती। एक वृत्ति होती है, और उस वृत्ति का समन, ये सहज बात नहीं है। ऐसी ऐसी देवियां आपको विश्यावृत्ति करते हुए मिलेंगी जिनके पास कोई मजबूरी नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सी स्त्रियां मिलेंगी आपको विश्यावृत्ति करने वाली, जिनके पास कोई मजबूरी नहीं है, किसी प्रकार की मजबूरी नहीं है, लेकिन उनका एक शौक है, जिसे वो अंग्रेजी में हॉबी कहते हैं। ऐसी मिलेंगी आपको हजारों, और उन हजारों के मध्य में कुछ आपको मजबूर भी मिलेगी। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि एकांत सेवन माने एक में ही जीवन का अंत करना, एक में ही जीवन को समर्पित करना, एक में ही जीवन को लगा देना, ये जो है ये देश काल परिस्थिति से संबंधित नहीं है, ये चित्त की अवस्था से संबंधित है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था ये विविक्त स्थान सेवन के लिए, एकांतवास के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी रह करके आप एकांतवासी हो सकते हैं। यह शर्त है, यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंधन मुन्मूलयति
जो संसार के बंधनों को तोड़ देता है, एकांत स्थान का सेवन करता है, जो निश्चय गुणों भवति तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, यो योगक्षेम त्यजति, जो अपने योग क्षेम की चिंता का त्याग कर देता है, यह कर्म फलम त्यजति, पहले कर्म के फल का त्याग करता है, कर्माणि अभिसंन्यसति, फिर कर्मों का भी त्याग कर देता है, तत्व निर्द्वंदो भवत, फिर निर्द्वंद हो जाता है, द्वंद भाव से रहित हो जाता है, और फिर वेदा न अभिसंन्यसति, फिर वेद का भी त्याग कर देता है, और अविच्छिन्नम नुरागम लभते, अविच्छिन्न नुरागम लभते, और फिर अविच्छिन्न अखंड अनुराग प्रभु से प्राप्त कर लेता है। सतरति सतरत सलोकांतारित, वही तरता है, वही तरता है, वही लोगों को तार देता है। अब इसके आगे इन सूत्रों की व्याख्या कल सुनाई जाएगी, समय बहुत हो गया है, आप लोगों को पता है मुझे जाना है यहाँ से लंदन, और हमारे हजरत शशि जी बैठे हुए हैं ले जाने के लिए, तो अभी प्रार्थना कर लें और उसके बाद में आरती कर लेंगे, आप लोग बाद में कीर्तन उत्तर करते रहना, आनंद लेते रहना। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण।